जो वेखे चेहरा अपने बाप का के मौत तो बाद इतना नूर और इतनी बहार है, लिखण वाले भी दंग ते हैरान रह गए कि ये मैयत है या कोई जींदा सुता होया। और फिर तुसा तो बाद के अंदर असर वेले चेहरा देखे है। मैं 9:15 बजे पहुंच गया था, उस वक्त तकरीबन 19 घंटे गुजर चुके हैं। मैं जो चारपाई के करीब आया, जो चेहरा वेखिया तो मैं यकीन ना आए कि अब्बा जी होरी फौत हो गए, क्योंकि चंगे भले जुमेरात वाले दिन मिलते मैं छड़ के गया। इतनी हैरानी और ताज्जुब और फिर इतनी खुशी हुई चेहरे दर वेख के, अल्लाह की जात की कसम है, अल्लाह की किताब सामने मौजूद है। मैं अल्लाह की किताब के हाथ रख के बतौर शहादत, बतौर हलफ नहीं, बतौर शहादत कह रहा कि अपने बाप के चेहरे वाल वेख के मैं यकीन हो गया कि यह अकीदा भी ठीक है, यह अमल भी सही है। फिर दूसरे दिन जो मुख्तलिफ इलाकों च फोन आए कि जी कबर के बारे मुख्तलिफ खबर आ रही हैं। मैं तहकीक वास्ते 3 रात 4 बजे उठी के जाता रहा, अजाना तो पहले 3 रात हर रात तहकीक वास्ते 3-3 दफा हट के मैं उसका तजर्बा किया। हर दफा सिरा दी मैं एक अजीब जी खुशबू महसूस होती है। मैं जी गल की है, अगर इस दिन किसी को शक हो तो मेरे नाल मुबाला कर ले। सुभान अल्लाह, यानी इस कदर एक पक्की गल है कि मेरे जिहा बंदा ही मर्द की इशा तो तौहीद विच आ गया। सुभान अल्लाह, तकबीर अल्लाह, अल्लाह का इज्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी। ये ना समझो कि तो मौत तो बाद उसने देखा तो इन होया नहीं, 2 महीने पहले मेरा उन्होंने मुआदा गल बात पूरी हो चुकी है, लेकिन वो तो उन्होंने वादा किया कि मैं ठीक हो लवा तो फिर इसे खाते कॉन्फ्रेंस करे, सकरे ले सकें, चावल पके सकें, इतना ही लोगों को छड़ के ऐलान करे।